वो बाइक ले गए और बाइक ले जाने का भी चार्ज हमको देना पड़ा और सिर्फ दो तार कटी हुई थी, एक तार जुड़ी हुई थी लेकिन ऊपर से थोड़ा छिली हुई थी, उसका भी जोड़ने का और आगे का जोड़ने का मिलाकर 740 रुपया हमसे लिया गया। जबकि उससे पहले बोला गया कि आपकी बाइक जो ले जाएगी उसका चार्ज और मिस्त्री चार्ज जो है आपको नहीं लगेगी, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आए NS बाइक के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को मालूम ही होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, और जो लोग नहीं देखे हैं पिछला ब्लॉग तो वो देख सकते हैं पार्ट वन इसका। और इस ब्लॉग में एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देखें, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो देख ही लिए होंगे कि बाइक के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग को अब पूरी जानकारी हम बताते हैं कि मेरे साथ और बाइक के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, अपनी बाइक की तार कट गई थी, हमको नहीं मालूम था, बाइक को स्टार्ट कर रहे थे तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, करंट ही इस बाइक में नहीं आ रही थी। तो हमने जहाँ से बाइक लिए थे वहाँ कॉल किए और बोले कि बाइक में स्टार्ट होने की प्रॉब्लम आ गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो बोले कि ठंड का टाइम है तो बैटरी प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए कहीं हो सकता है कि नहीं हो रहा होगा, तो आप थोड़ा धक्का देके स्टार्ट कर लीजिए। हम बोले ठीक है, उससे भी नहीं हुआ तब हम उनको कॉल किए तो वो बोले कि हम दूसरे एजेंसी वाले को आपके पास भेज रहे हैं। हम बोले कि ठीक है, भेज दीजिए, देख लेंगे क्या है कैसे है। तो वो आए और आप लोग देखे ही होंगे कि उनसे भी बाइक ठीक नहीं हुआ और बाइक को फिर ले गए दूसरे एजेंसी। तो वही एजेंसी वाले हमको कॉल किए थे जहाँ से हम बाइक लिए थे कि आप इनको बाइक दे दीजिए, ये ले चले जाएंगे। तो बोले ठीक है, हम दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका RSA भी हमने करवाए थे लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं, वो बाइक ले गए और बाइक ले जाने का भी चार्ज हमको देना पड़ा और सिर्फ दो तार कटी हुई थी, एक तार जुड़ी हुई थी लेकिन ऊपर से थोड़ा छिली हुई थी, उसका भी जोड़ने का और आगे का जोड़ने का मिलाकर 740 रुपया हमसे लिया गया। जबकि उससे पहले बोला गया कि आपकी बाइक जो ले जाएगी उसका चार्ज और मिस्त्री चार्ज जो है आपको नहीं लगेगी, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ कि हमको चार्ज 740 रुपया देना ही पड़ा, उससे पहले हमको बाइक नहीं मिल रही थी तो अंतिम में हम दिए। तो दोस्तों, अपनी बाइक में सामान लगता तो रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सामान उसमें नहीं लगा। ऊपर भी कॉल किए, बोले कि नहीं सर, आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हम यही संदेश आप लोग को देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग गाड़ी लेने से पहले शोरूम जब जाते हैं तो उस समय अपनी गाड़ी जो लेंगे उस गाड़ी को पूरा अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही लें। तो दोस्तों, जब भी आप लोग बाइक लें तो उस समय पेपर पूरा अच्छी तरह से देख लें और एक एक पेपर ध्यान से ले लें तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। और जो भी आप लोग को ये बात बताए हैं हम, तो मेरे साथ ये हो चुका है, तो सोचे आप लोग को भी बता देते हैं। ऐसे आदमी से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ तो ऐसा हो गया तो अब से मेरे साथ भी ऐसा नहीं होगा, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाएं। तो बाय बाय दोस्तों।